नमस्कार, सुबह के 7 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ दीपाली। शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की 10 बड़ी खबरों के साथ। योगी सरकार का मिशन रोजगार जारी। स्वास्थ्य विभाग के चयनित अभ्यर्थियों को सौंपेंगे नियुक्ति पत्र। 600 से ज्यादा एम्बुलेंस को करेंगे फ्लैग ऑफ। योगी सरकार ने जारी किया 2024 का कैलेंडर। 56 सरकारी छुट्टियां की गई घोषित। 23 दिसंबर को पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह की जयंती पर भी छुट्टी। लखनऊ में आज यूपी कांग्रेस की बड़ी बैठक। नव नियुक्त कार्यकारिणी को लेकर अहम बैठक होगी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर होगी चर्चा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय लेंगे बैठक। गाजियाबाद के होली ट्रिनिटी स्कूल में छात्र के जय श्री राम लिखने पर भड़की टीचर। छात्र के चेहरे पर व्हाइटनर लगाकर किया प्रताड़ित। प्रदर्शन के बाद शिक्षिका मनीषा मैसी सस्पेंड। रामलला की मूर्ति बनकर तैयार। 22 जनवरी को होगी प्राण प्रतिष्ठा। फाइनल टच का काम कर रहे मूर्तिकार। 3200 मजदूर दिन रात काम में जुटे। ग्रेटर नोएडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। रणदीप भाटी गैंग के सक्रिय सदस्य। ब्रजनंदन पर कसा शिकंजा। 23 करोड़ रुपए के 2 आवासीय प्लॉट को। हरदोई में हिंदू लड़की से मुस्लिम युवक की बर्बरता। बहरा फुसलाकर किया शारीरिक शोषण। जबरन गौमांस खिलाकर धर्म परिवर्तन का दबाव। FIR दर्ज। माफिया मुख्तार के बेटे उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया अर्जी। पिता को बांदा जेल से ट्रांसफर की मांग। बताया जान का खतरा। बहराइच में जिम में एक्सरसाइज करते समय युवक की मौत। सीसीटीवी कैद में मौत की लाइव वारदात। अलीगढ़ में नाली में गौवंशों के गर्दन कटे मिले अवशेष। हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश। मचा हंगामा। आरोपी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित।